देशभर की मंडियों में सोयाबीन की आवक लगातार घटती जा रही है शनिवार को देशभर में सोयाबीन की आवक घटकर दो लाख पांच हज़ार बोरी रह गई जिसमें से मध्य प्रदेश में मात्र पचासी हज़ार बोरी की आवक दर्ज की गई व्यापारियों का कहना है कि खरीफ 2023 में सोयाबीन की फसल तो अच्छी आई है लेकिन सोयाबीन की कीमतें काफ़ी नीचे आ गई है कम दामों पर किसान उपज बेचने को राज़ी नहीं है आगे तेज़ी की उम्मीद में सोयाबीन रोकने लगे हैं इस वजह से मंडियों में आवक घट रही है फिलहाल कीमतों में विशेष लंबी तेजी की उम्मीद कम दिखाई दे रही है क्योंकि चुनावों का दबाव भी बाजारों पर बना हुआ है विदेशों से बड़ी मात्रा में हो रहे खाद्य तेलों के आयात से प्लांटों की मांग कमजोर है यही वजह है कि सोयाबीन में लंबी तेजी नजर नहीं आ रही है इधर विदेशी बाजार भी ब्राज़ील में हुई बरसात से पानी पानी हुए है बिना घरेलू मांग के कीमतों का बढ़ पाना मुश्किल है आशंका थी कि ब्राजील में अगर बारिश न हुई तो सोयाबीन की कमजोर फसल उतर सकती है परंतु अंतिम क्षण में हुई बारिश से अंतर्राष्ट्रीय बाजार कई सालों के निम्न स्तर पर आ गए हैं, जब तक आयात में क्रूड व रिफाइंड पाम तेल का अंतर नहीं बढ़ता तब तक कीमतों में लंबी तेजी की उम्मीद कम नजर आ रही है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी